बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड डिस्कसिंग टॉपिक इज आयंस एंड देयर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन द आयंस। आयन इज एन अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज़ अ चार्ज बिकॉज इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आयन की अगर डेफिनेशन वाइज इसको देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि आयन कोई चार्ज पार्टिकल होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। इट मीन्स दैट न्यूट्रल चार्ज कब होगा? जब प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। और ये तब होता है जब आयन जो है वो आयन बनने से पहले एटम होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल ऑल्दो इट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इट। यानी कोई एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है हालांकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ मिसाल देखते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। मीन टू से इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे विद अपोजिट चार्जेस तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल कोई भी एटम जो है वो उसके ऊपर चार्ज जो है वो कोई भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल एज एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एक और मिसाल हम लेते हैं कार्बन एटम की। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। मीन टू से इट हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि इसका नेट चार्ज क्या होना चाहिए। जी, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। कोई भी एटम है जब वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर वो आयंस कैसे बनाता है? इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे सोडियम एटम की और सोडियम के हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे इस स्ट्रक्चर में। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। मीन टू से इट हैव 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी जो अप्लाई की जाती है और सोडियम एटम अपने वैलेंस शेल का जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को देने के लिए तैयार हो जाता है। और सोडियम एटम जो है वो तो न्यूट्रल था लेकिन सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग ऑफ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। ठीक है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर में कमी आ जाती है, वो 11 की बजाय 11 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉन 11 ही होते हैं। इस सूरत में स्टूडेंट्स ओवरऑल चार्ज जो है वो डोमिनेट किसका हो जाएगा? प्रोटॉन्स का, और प्लस 1 चार्ज अपीयर हो जाएगा सोडियम आयन के ऊपर। ठीक है, इससे हम एक और मिसाल को देखते हैं फ्लोरीन एटम को। फ्लोरीन एटम जो है वो न्यूट्रल है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके पास 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ओवरऑल फ्लोरीन एटम इज़ अ न्यूट्रल एटम और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन आफ्टर गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, फ्लोरीन जो है इसके ऊपर जो चार्ज है वो अपीयर हो जाता है -1। क्यों? इसलिए कि फ्लोरीन के पास एटम होने की सूरत में 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 प्रोटॉन, लेकिन जब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया टू गेट द स्टेबिलिटी
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर में इजाफा हो गया तो ओवरऑल चार्ज जो है वो माइनस अपीयर हुआ। चूँ माइनस वन क्यों अपीयर हुआ, इसलिए माइनस इसलिए अपीयर हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए फ्लोरीन ने सोडियम से, और वन क्यों अपीयर हुआ, वन का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम से। इट मीन्स दैट अब हम कह सकते हैं अ चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव इज कॉल्ड एन आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी चार्ज बॉडी होगा उसको हम आयन की सूरत में कहेंगे जब उसके ऊपर प्लस वन चार्ज होगा या माइनस वन चार्ज होगा, और ये हमेशा नहीं होता, या उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा या फिर नेगेटिव। वन टू एंड थ्री ये नंबर तब अपीयर होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस करे या गेन करे। ठीक है, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो आयन होगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी आयन होगा। तो अब हम सोडियम को सोडियम आयन पढ़ेंगे आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन एटम को फ्लोरीन आयन पढ़ेंगे आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस दैट आयंस जो हैं अब उसकी दो टाइप्स हो जाएंगी, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है और नेगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, सोडियम आयन को हम कैटायन पढ़ सकते हैं और फ्लोरीन आयन को हम एनायन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनइक्वल हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगेन हम आयन को अगर डिफाइन कर लें तो क्या होगा, अ चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव इज कॉल्ड एन आयन। एन एटम में लूजेज वन टू आर मोर इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी एंड वैलेंसी। नाउ अब वीडियो को आप पॉज कीजिए और ये बताइए कि कैन यू एबल टू डिफाइन एन आयन एंड नेम एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ द आयंस, इफ यस देन वी विल फर्दर मूव। अब हम देखते हैं, अभी स्टूडेंट मैंने तो इस चीज़ को इन वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किया और डायग्राम भी आपके सामने है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर आपको इक्वेशन की ज़रूरत है। आप केमिकल इक्वेशन के ज़रिए अपनी इस बात को प्रूव करेंगे। तो ये बात याद रखिए, ऑल मेटल एटम्स आर जनरली फॉर्म कैटाइंस पॉजिटिव आयन एंड ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली फॉर्म एनायंस बिकॉज दे आर जनरली इन्वॉल्व टू गेटिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि कैटायन के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम एंड कैल्शियम एटम, और राइट साइड पे आपको इनके आयनिक फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। इन तीनों के ऊपर यानी हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के ऊपर आपको प्लस चार्ज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने को हम इक्वेशन में राइट साइड पे लिखेंगे, और हाइड्रोजन आयन जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है प्लस वन ई का मतलब क्या कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। इस तरह सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो उसके ऊपर प्लस आयन अपीयर हो जाएगा, प्लस वन आयन। प्लस वन लिखिए या सिंगल प्लस लिखिए एक ही बात है। इसी तरह स्टूडेंट्स कैल्शियम, वेन एवर कैल्शियम एटम लूजेज टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म डाई एटॉमिक आयन, और ये किस सूरत में होगा कि कैल्शियम जो है वो डाई वैलेंट आयन बनाएगा यानी सी ए प्लस टू आर सी ए टू प्लस। इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम जो है हमारे पास मेटल एटम है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसके ऊपर पास प्लस टू चार्ज अपीयर हो गया। Now we will move to towards how can we write the ionic equation for anions. अब negative ions कैसे बनते हैं इसके लिए हम देखते हैं, chlorine is a non-metal. जब chlorine या कोई भी atom जो electron gain करेगा तो equation का फ़र्क आप देखिए students के left side पे chlorine atom के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए आफ्टर द इक्वेशन क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ Cl माइनस वन। ऑक्सीजन जो है ये भी नॉन मेटल है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेट स्टेबिलिटी इन द आउटर मोस्ट शेल तो ऑक्सीजन के पास माइनस टू आर टू माइनस चार्ज अपीयर होगा।
ये दोनों एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन, ये हमारे पास इस वक्त एनायन बना रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इससे लेक्चर से रिलेटेड आपके लिए एक वर्कशीट है इस लेक्चर के एंड पे जो आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सेपरेट द कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम द लिस्ट। अब आपने करना क्या है, दिए गए जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक नंबर पहले मालूम करने हैं। एटॉमिक नंबर जब आपको मालूम हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल हैं एटॉमिक स्टेट में, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इनकी कैटायनिक और एनायनिक इक्वेशन लिखनी है। ये आपका होमवर्क टास्क भी है, और इस वर्कशीट को सॉल्व आप उस वक्त करने में कामयाब होंगे जब आप इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे, समझेंगे, और इंशाल्लाह आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन तक के लिए अल्लाह।